नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर मोड में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की स्टेक के बारे में, जिससे मैं हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न करता हूँ ड्रीम इलेवन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लियरली बहुत बात बोल दूँ कि मैं कोई फैंटेसी एक्सपर्ट नहीं हूँ। यानी कि आप लोगों को पता है यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल क्रिएट हैं जो आप लोगों को डेली अपडेटेड टीम प्रोवाइड करते हैं हर मैच की। मैं वो कुछ नहीं प्रोवाइड करने वाला, आप लोगों को सिंपली एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे मैं ग्रैंडली खेलता हूँ। मैं बहुत कम खेलता हूँ वैसे ड्रीम इलेवन और फैंटेसी वेबसाइट पर, बट जब भी खेलता हूँ तो आई मेक श्योर कि वैसे मैचेस खेलूँ जैसे कि नाइट मैचेस हो गए, जिनमें लोग अपनी टीम अपडेट नहीं कर पाते, और उन्हीं में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने इस मैच में ऑलरेडी 12 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करे हुए हैं, क्योंकि पहले कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन करे थे शाम को और सारे वो कॉन्टेस्ट फिल हो गए हैं। तो ऑफकोर्स उसमें 60% 60 से 70% लोग अपडेट ही नहीं कर पाएंगे अपनी टीम, क्योंकि वो 3:30 बजे जग ही नहीं रहे होंगे। मैं जग रहूँगा तो मैं अपडेट कर पाऊँगा और टीम प्लेइंग इलेवन के अकॉर्डिंग फॉर्म कर पाऊँगा। अभी जो मैं आप लोगों को टीम दे रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, आप उस टीम के साथ खेलने मत लग जाना, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि मैं कैसे टीम बनाता हूँ एक मैच के लिए सिंपली। तो चलिए ये शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सिंपली आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर कर रहा था कि जिससे मैं ड्रीम इलेवन से 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने अर्न कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन से शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो जेपी डुमनी हो गए, हर प्लेयर के नीचे सिलेक्शन रेट गिवन है, सिलेक्टेड बाय 76% पीपल, यानी कि 76% लोगों ने इसे लिया है। वैसे ही हर प्लेयर के नीचे गिवन होता है, डुमनी हो गए, कॉनवेल हो गए, होल्डर हो गए, शाकिबुल हसन पिछला मैच ही खेल रहे हैं और 86 पॉइंट दिए। ये कैप्टन के लिए मस्ट पिक होंगे और इनको मैं कैप्टन बनाऊंगा। बट अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मेन काम बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ हर एक टीम फॉर्म करने से पहले, वो आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद कोलिंडी ग्रैंड होम हो गए, 39% लोगों ने लिया। उसके बाद एशले नर्स हो गए, 2% लोगों ने लिया, और एशले नर्स हर मैच खेलते हैं। ये हो गए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक। और लीस्ट वाली जो मैंने आप लोगों को बताया ना, तीन ऐसे प्लेयर ढूंढो जो लीस्ट पिक हों हर एक डिपार्टमेंट से और उनमें से पिक करो। तो ये लीस्ट पिक हो गए, आप चाहे तो बॉनवेल भी ले सकते हैं, बॉनवेल भी लीस्ट पिक हैं और हर मैच खेलते हैं, बट मैं एशले नर्स के साथ जाऊंगा क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इंटरनेशनल खेल चुके हैं और अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी हिटिंग भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको जाऊँगा, इनके साथ जाऊँगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, फवाद अहमद हो गए, गर्नी हो गई, ये खेलेंगे। लमी चन्ने भी खेल रहे थे, बड़ा 12% सिलेक्शन रेट है, वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है क्योंकि ये नेपाल के लिए खेल रहे हैं, अब नहीं खेलेंगे। संटोकी हो गए पिछला मैच खेले, 8% सिलेक्शन रेट। विलजॉन है, विलियम्स हैं, रेफरे हैं, होल्डर भी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। पिछला मैच खेले थे जेसन होल्डर के भाई हैं, -2 पॉइंट हैं। हालांकि ये मैच खेलेंगे कि नहीं ये पक्का नहीं कह सकते, बट अगर खेलेंगे तो आप लोग इनको भी पिक कर सकते हो, बट फिलहाल नहीं करना। वॉश को ले सकते हो, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी विकेटें ले रहे हैं। बट यहाँ से जो लीस्ट पिक की बात करेंगे वो आएंगे संटोकी, क्योंकि सिर्फ इनका है 8% सिलेक्शन रेट। आप लोगों को एक बात क्लियरली फैक्ट वाइज बता दूं कि CPL में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ओवरऑल हिस्ट्री वाइज, जितने भी अभी तक CPL की जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं संटोकी। अब आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन वैसे इस मैच में ज़्यादा चॉइसेस है नहीं, बारबाडोस वर्सेस सेंट लूसिया है मैच में, और दोनों ही टीम फिसड्डी टीम है, यानी कि ज़्यादा मैच हारी हैं जीतने के बजाय। तो एलेक्स सेल्स को आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद लीस्ट पिक में डेरन सेमी हो गए, इनग्राम खेलेंगे, कार्टर खेलेंगे, बाकी किसी का खेलना ना खेलना कंफर्म नहीं है, बट प्लेइंग इलेवन आने के बाद आप लोग चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ से डेरन सेमी को ले सकते हैं क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, एक आध ओवर डाल लिया था पिछला मैच में, सिर्फ एक ओवर डाला था और उसमें एक विकेट ले ली थी, तो पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, हालांकि बैटिंग करने बहुत डाउन आते हैं तो फ़ायदा नहीं है। अब आ जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। आप फ्लेचर को ले सकते हैं, चार्ल्स को ले सकते हैं, दोनों को भी ले सकते हैं क्योंकि कैचिंग में ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 8-8 पॉइंट अब मिलते हैं कैचिंग में, क्योंकि ड्रीम इलेवन की जो पॉइंट सिस्टम था वो चेंज हो गया है। बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, हेल्स को ले सकते हैं आप लोग, सैमी को हमने ले लिया, इनग्राम को ले सकते हैं क्योंकि अच्छी फॉर्म में, कार्टर अभी हाल ही में इन्होंने ओपनिंग करना शुरू करी और अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, बट मैं कार्टर को नहीं लूँगा क्योंकि ये वैसा प्लेयर है कि शायद चल जाए, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, बट मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे ये खास इसकी टेक्निक में पसंद नहीं आई थी। डुमनी लूँगा क्योंकि मुझे ऑलराउंडर भी ज़्यादा लेने हैं, डुमनी लूँगा। कॉनवेल आप चाहें तो ले सकते हैं, होल्डर चाहे तो ले सकते हैं, शाकिबुल हसन मैं लूँगा, और मैंने एक मस्ट पिक जो अपनी डिफरेंट पिक ली है वो एशले नर्स है। आप चाहें तो यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में से एक को ड्रॉप करके यहाँ पे कॉनवेल को ले सकते हैं क्योंकि ओपनिंग करेंगे, बट इनमें भी कोई टेक्निक वगैरह नहीं है, कॉनवेल कोई टेक्निक नहीं यूज़ करते, तो आप चाहें तो उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। जेसन होल्डर को ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि ओवर्स डालते हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट ज़रूर ले सकते हैं, बट मुझे डिफरेंट जाना है और कुछ अलग ट्राई करना है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया, अगर 40 रुपये की लीग में खेल रहा हूँ तो 40 रुपये तो इस टीम से मेरे वापस आएंगे ही आएंगे, बट अगर टीम चल गई तो 40 के 4 हज़ार भी बन सकते हैं, 40 तो वापसी आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट बात करते हैं, तो गर्नी अच्छे बॉलर हैं, यहाँ पर विलजॉन बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। विलियम्स काफ़ी अच्छी विकेटें लेने हैं, आप चाहें तो विलियम्स को ले सकते हैं।
यहाँ से वॉश के साथ जाऊँगा, क्योंकि हाल ही में इनकी फॉर्म बहुत अच्छी है और स्पिनर को विकेट मिलती ही मिलती है। अगर आप लोग देखें कोई टेक्निक हो स्पिनर में, अगर थोड़ी बॉल घूम रही हो तो विकेट ज़रूर मिलती है, इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए। इसमें अगर मैं चेंज करूँगा अगर प्लेइंग 11 आने के बाद, तो सिंपली एक चेंज कर सकता हूँ मैं, विकेट कीपर में से किसी एक को ड्रॉप करके ऑलराउंडर ज़रूर ले सकता हूँ एक और, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऑलराउंडर की बहुत ज़रूरत होती है। आप लोग देख सकते हैं प्लेयर इसमें, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि कैप्टन शाकिबुल हसन के साथ ही जाऊँगा, नंबर वन पिक है। उसके बाद अगर मैं वाइस कैप्टन चूज़ करना होगा तो मैं इनग्राम को कर सकता हूँ, क्योंकि इनग्राम अच्छी फॉर्म में और अच्छी टेक्निक है इनकी बैटिंग करने की। बाकी आप लोगों पे चॉइस है, आप चाहे तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो या किसी को भी बना सकते हो जो रेगुलर खेलता हो। उन प्लेयरों को नहीं बनाना जो आज ही खेलने वाला है, यानी कि फर्स्ट मैच खेल रहा है अपना, तो बहुत ही रेयर चांस होता है जो पहला मैच खेल रहा है अपना और अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए और उसको अच्छा चांस मिले बैटिंग करने का, उससे ज़्यादा बॉलिंग कराई जाए, बहुत ही रेयर चांस होता है। जो लोग ऐसी टिप देते हैं वो तो वर्क नहीं करती। मैं ग्रैंड लीग में वही खेलता हूँ जिसकी मैं सिंपली कैप्टन बनाऊंगा शाकिबुल हसन को और वाइस कैप्टन बनाऊंगा मैं इनग्राम को। जो प्लेयर इन फॉर्म है उनको नहीं बनाऊंगा, जो प्लेयर जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बता कि एशने नर्स मैं ले रहा हूँ आज डिफरेंट पिक, तो एशने नर्स को मैं कैप्टन बना दूंगा, नहीं ऐसे नहीं खेलता मैं ऐसे खेलता हूँ सिंपली, आप लोग बताना चाहता मैं ऐसे खेलता हूँ और आप लोग भी चाहें तो ऐसे खेल सकते हो। सिंपली आप लोग अगर चाहें तो प्रीव्यू भी देख सकते हो इसका, मैंने आप लोगों को सिंपली टीम बता दी, आप चाहें तो ये टीम के साथ जा सकते हो या आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता कि मैं कैसे टीम फॉर्म करता हूँ। बेसिकली मैं 6 टीमों के साथ ही खेलता हूँ, सिर्फ आप लोगों को बता रहा था कि कैसे कैसे मैं टीम फॉर्म करता हूँ। लीस्ट पिक प्लेयर ज़रूर लेता हूँ एक या दो, ताकि जिससे, और कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हीं प्लेयर को बनाता हूँ जो इनफॉर्म होते हैं। अगर मेरे को कैप्टन और चूज़ करने हो तो मैं डुमनी को कैप्टन बना दूंगा, या होल्डर को लेके होल्डर को कैप्टन बना दूंगा, या फ्लेचर और चार्ल्स को कैप्टन बना दूंगा, क्योंकि विकेट कीपर को स्टंपिंग के और कैचिंग के पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप लोग को डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो फ्लेचर को कैप्टन बना दो और चार्ल्स को वाइस कैप्टन बना दो। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही, जस्ट एन एग्जांपल देना चाहता हूँ और यही मेरी ड्रीम इलेवन की तरफ से लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको कोई भी टीम से रिलेटेड या कोई भी अपडेट नहीं दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे एक्सप्लोर मोड। धन्यवाद।